नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन कतरी, जिसके लिए मैंने दो बैंगन लिए हैं और चार चम्मच मैंने बेसन लिया है, तीन चम्मच मैंने दही लिया है, हींग चाहिए हमें, अजवाइन चाहिए, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, मैंने दो हरी मिर्च लिए बारीक काट लिया है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और चाट मसाला और धनिया पत्ता और ऑयल। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके अंदर जो बेसन हमने लिया वो डाल देंगे। बेसन को मैंने छान लिया अच्छे से। मसाले डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, हरी मिर्च लिए दो जिनको बारीक काट लिया मैंने, आधी चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर लिए, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज्यादा, एक चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया, मसालेदानी में जो चम्मच आता है वही यूज किया मैंने, हल्दी पाउडर लिया एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, अजवाइन लिए एक छोटा चम्मच, चाट मसाला लिए एक छोटा चम्मच, आप अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और हींग डाल देंगे एक चुटकी, और तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज्यादा। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो हरी मिर्च की और एक हरी मिर्च डालें, दही डाल देंगे, धनिया पत्ता डाल देंगे और काली मिर्च ना डालें, मिक्स कर देंगे इसे। हमें इसका एक गाढ़ा घोल बनाना है, पेस्ट सा बनाना है हमें, मिक्स कर देंगे अच्छे से। हम थोड़ा सा पानी यूज करेंगे, थोड़ा सा पानी यूज करेंगे बस, थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना एक साथ, अगर और जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और डालेंगे, लेकिन एक साथ ज्यादा नहीं डालना। देखिए अभी काफी गाढ़ा है ये, बस थोड़ा सा और डालेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेगा इसके अंदर, पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए हमारा घोल तैयार हो गया है, और इसे थोड़ा साइड में रख देंगे। अब हम बैंगन काट लेंगे। देखिए बैंगन को मैंने धो लिया है अच्छे से, साफ कर लिया है, बैंगन का आगे का हिस्सा हटा देंगे। अब हम आधे इंच के व्यास में इसे काट लेंगे, गोल गोल काटना है हमें। देखिए मोटा पतला आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, आप इन्हें और भी थोड़ा पतला काट सकते हैं, लेकिन ज्यादा पतला नहीं, नहीं तो हमारे करी बनेगी नहीं, सॉरी कतरी बनेगी नहीं। देखिए इस तरह से हमें दोनों बैंगन काट लेने हैं। देखिए इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, अब हम बैंगन के अंदर इस तरह से टक लगा देंगे। बैंगन मैंने काट लिए हैं, इस तरह से हल्के हल्के से कट लगाने हैं, जिससे कि मसाला इनके अंदर चला जाए और ये अंदर से फीके ना रहें। देखिए इस तरह से कट लगा लेंगे। कई लोग इसे आटे के अंदर भी बनाते हैं, आटे का घोल बना के, मैं बेसन से बना रही हूँ। कई लोग इसे कचरी भी कहते हैं, बैंगन कचरी। इस तरह से हम इसके चारों ओर लगा देंगे, फैलाते हुए चारों ओर लगा देंगे। ये काफी टेस्टी बनते हैं, आप इन्हें स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ये काफी टेस्टी बनते हैं। दूसरी साइड भी हम इसी तरह लगा देंगे, और साथ के साथ हम इन्हें सेलो फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से,
देखिए इस तरह से हमें सारे बैंगन तैयार कर लेने हैं पेस्ट लगा के इस तरह से। अब हम गैस ऑन करेंगे, गैस पे पैन रखेंगे, पैन में ऑयल डाल देंगे। थोड़ा ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे हम क्योंकि हमें सैलो फ्राई करने हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम इस तरह से इन्हें फ्राई कर लेंगे। एक एक पे लगाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। देखिए इस तरह से लगाते जाएंगे और धीमी आंच में फ्राई करने हैं हमें, लो फ्लेम पे एकदम। मैंने लो फ्लेम कर रखा है तेल को गर्म करके, फिर हमें लो फ्लेम कर देना है, हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे, ये अच्छे से अंदर से सिक जाएंगे। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो कच्चे भी रह जाएंगे और ये जल जाएंगे, फिर इनमें टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह से फैलाते हुए आप चाकू से भी लगा सकते हैं, चम्मच से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा रहे उस तरह से आप लगा लीजिए। इस तरह से लगा दीजिए चारों ओर, अच्छे से लगाइए, अच्छे से लगाना है हमें। देखिए ये लगा दिया मैंने चारों ओर बैंगन के, इसे भी हम फ्राई करना रख देंगे। इसी तरह हमें सभी बैंगनों को पेस्ट लगा के फ्राई करना है। देखिए मैंने इसके भी लगा लिए हैं एक साथ फ्राई पैन में, जितने आ सके उतनी कतरी डाल देंगे हम। देखिए अब हम इसे पलट देंगे, ये एक साइड से सिक चुकी है, इस तरह से जो सिक चुका है उन्हें पलट देंगे। हल्के हाथ से पलटे, हाथ जला ना लें, और आप एक चम्मच का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, हमें पलट पलट के इनको फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है, ये कच्चे नहीं रहने चाहिए, नहीं तो हमारी कतरी जो है कच्ची रह जाएगी तो स्वाद नहीं बनेगी, इसलिए हमें अच्छे से फ्राई करना है। देखिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए इस तरह से टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे इन्हें, जो सिक चुके हैं उन्हें हम निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड मैंने दूसरा कोट भी सेक लिया है, इनको हम अच्छे से सेकेंगे, कच्चा नहीं रहना चाहिए ये। एक साइड से अच्छे से सिक चुके हैं, देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं, अब हम इन्हें भी निकाल देंगे प्लेट के अंदर। देखिए इस तरह से निकाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसे भी निकाल देंगे। ये हमारे सभी कतरी तैयार हो चुकी है, आप देख सकती हैं। फ्रेंड्स चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो ना डालें, क्योंकि हमने अंदर भी चाट मसाला डाला है, इसलिए आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा छिड़क देंगे टेस्ट के लिए और हम थोड़ा धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे धनिया पत्ता गार्निश के लिए, जिससे कि ये सुंदर दिखेगा। आपके कोई भी गेस्ट आए तो स्टार्टर के रूप में आप इसे बना के खिला सकते हैं, ये काफी अच्छे बनते हैं, काफी टेस्टी बनते हैं। आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को जरूर बना के खिलाइए, ये काफी अच्छे बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स देखिए हमारी बैंगन कतरी तैयार हो चुकी है, खाने के लिए काफी टेस्टी बनी है, आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।